रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एनकोरेट 500 mg टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने दिन तक इसका यूज करना चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, इन सभी बातों के बारे में रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों एनकोरेट 500 mg टेबलेट का जो मैन्युफैक्चर है ये सन फार्मा कंपनी द्वारा किया जाता है। इसकी जो प्राइस है वो 75 रुपये की एक स्ट्रिप आपको हर दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। दोस्तों शेड्यूल अंश के अंदर आती है, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, सेल्फ यूज का मत कीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो है सोडियम वेल प्रो 8 500 mg के अंदर। दोस्तों ये तीन प्रॉब्लम में काम आता है। पहला है अगर इपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, दौरे आते हैं उनको ठीक करने के लिए ये यूज़ की जाती है। दूसरा है अगर माइग्रेन की दिक्कत है, माइग्रेन की वजह से सर दर्द रहता है उनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और तीसरा है और सबसे लास्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में भी ये काम में आता है। बात करते हैं किस तरीके से काम करती है। देखिए ये कुछ दिमागी मसल्स को रिलैक्स करके व्यक्ति के मूड को चेंज करती है, उसकी फीलिंग को हैप्पी बनाती है, इस तरीके से ये काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ केमिकल मेडिसिन को भी बढ़ाती है जिससे कि व्यक्ति के मूड में चेंज आ सके, उसका फोकस बना रहे। देखिए डोज की बात करें तो इसकी एक सुबह एक शाम भी हो सकती है, 1000 mg तक 24 घंटे के अंदर यूज कर सकते हैं। वैसे इसकी डोज डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, क्या उस पेशेंट की एज क्या है, उसका वेट क्या है, कौन सी टेबलेट साथ में ले रहा है, कितने दिन हो गए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो डोज है वो निर्धारित की जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफ आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। देखिए साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि लाइट से दर्द हो सकता है, मुंह सूख सकता है, चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसकी कुछ सावधानियां जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग में डॉक्टर की सलाह से ली जाती है, सेल्फ यूज का मत कीजिएगा क्योंकि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों एल्कोहल के साथ भी इसकी डोज को नहीं लेनी चाहिए, ये साइड इफेक्ट हो सकती है एल्कोहल के साथ। घर चलते समय भी इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नींद आ सकती है। दोस्तों ये 200 mg से स्टार्ट होकर 300 mg 500 mg में भी आती है, और ये दोस्तों और भी आती है जैसे कि कंट्रोल रिलीज में भी आती है, जैसे एनकोरेट क्रोनो 500 में भी आती है, क्रोनो 200 में भी आती है, क्रोनो 300 में आती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत